और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रही अदालती कार्रवाई के साथ ही बदायूं की जामा मस्जिद का मामला भी अब तूल पकड़ने लगा है। आज इस मामले की सुनवाई है, क्या है ये पूरा मामला और आज किस बात को लेकर सुनवाई है, 60 सेकंड में जानिए। यूपी के बदायूं में मौजूद ये इमारत जामा मस्जिद है या फिर नीलकंठ महादेव का मंदिर, ये सवाल सुनवाई योग्य है या नहीं, इसका जवाब आज बदायूं जिला कोर्ट की सुनवाई में मिल सकता है। इस मामले में बदायूं के जिला जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस चल रहा है। 2 सितंबर को नीलकंठ महादेव की ओर से मुकदमा दायर किया गया था। कोर्ट ने वादी पक्ष की याचिका पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के 6 प्रतिवादियों को नोटिस भेजा था। 15 सितंबर को याचिका पर सुनवाई आज तक के लिए टाल दी गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह को जामा मस्जिद कहा जा रहा है वो हकीकत में कभी हिंदू राजा का किला था और उसी किले में मौजूद नीलकंठ महादेव के पुराने मंदिर को मुस्लिम अतिक्रमणकारियों ने तोड़कर जामा मस्जिद का रूप दे दिया। वहीं मस्जिद के इंतजामिया कमेटी हिंदू पक्ष के दावों को गलत बता रही है और 1991 के वर्शिप एक्ट के मुताबिक तर्क पेश कर रही है। आज एक बार फिर इंतजामिया कमेटी वादी पक्ष के दावों के खिलाफ सबूत पेश करने की कोशिश करेगी। दावा है कि दिल्ली सल्तनत के शासक रहे इल्तुतमिश ने साल 1210 में बदायूं की जामा मस्जिद की नींव रखी थी और साल 1223 में इसका निर्माण पूरा हुआ।